हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो दो मॉडल सेट के हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से विषय का चाहते हैं वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। तो स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर एक। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन है राजीव गांधी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी। राइट आंसर डी, यानी इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुकी है। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 1950, 20 जनवरी 1962, 25 जून 1952। राइट आंसर बी, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक है? ऑप्शन ए पीसी महानोबलिस, बीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। राइट आंसर सी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1967 से 1902, 1992 से 1997, 1985 से 1990, 1994 से 1999। तो राइट आंसर ए, 1967 से 2002। ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसाला है? ऑप्शन ए मानवता की सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी, वैश्विक सुरक्षा। सात है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? ऑप्शन ए अपनी चर्चा आवश्यकता को पूरा करना, संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, महाशक्तिशाली बनने के दौड़ में सम्मिलित होना, चीन तथा पाकिस्तान पर दबाव बनाना। तो राइट आंसर सी, महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, BPL 480 समझौता किसके साथ हुआ? चार ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे? तो क्वेश्चन को आप पढ़कर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो राइट आंसर डी, यानी मिखाइल गोर्बाचेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा पाटकर के नाम किस आंदोलन से संबंधित है? चार ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो राइट आंसर डी, पर्यावरण प्रदूषण रोको आंदोलन। क्वेश्चन 11 है, सिंडिकेट क्या था? चार ऑप्शन देखिए। तो राइट आंसर ए, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस संगठन से था? तो राइट आंसर बी, सोवियत गठबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन देश दक्षेश का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर डी, चीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर डी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? देख सकते हैं ऑप्शन को। तो राइट आंसर ए, राष्ट्रसंघ। क्वेश्चन नंबर 16 है,
पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है। देख सकते हैं इसको और पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। तो राइट आंसर ए वायुमंडल, सॉरी बी, यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी जैव मंडल। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई? तो राइट आंसर सी 1989। स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। देखिए ऑप्शन को और वीडियो को रोक सकते हैं। तो राइट आंसर डी सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण सबसे बड़ी समस्या थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी देशी रियासतों का संगमय, विलय। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जाति संघ को स्थापित की? तो राइट आंसर ए बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील की उद्घोषणा हुई। ऑप्शन चार है, देखिए। तो राइट आंसर सी 28 जून 1954। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? तो राइट आंसर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर ए 1956। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में निशेष अधिकार संपन्न देशों की संख्या है? तो राइट आंसर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया? तो राइट आंसर सी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? राइट आंसर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विककरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो राइट आंसर डी उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय दलों का विकास मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे समझे जाते हैं, यानी कौन है? तो राइट आंसर बी MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो राइट आंसर सी जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर 31 नंबर का डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? तो राइट आंसर बी मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1955 में बांगडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर डी यानी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो राइट आंसर
बी 27 मई 1964। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर 38 का ए, प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? राइट आंसर डी, जॉर्ज मर्नाडिस। अब अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का, जनता दल किस राज्य की पार्टी है? तो राइट आंसर बी, बी हो जाएगा राइट आंसर, बी पंजाब, राइट आंसर पंजाब। चलिए अब अगला